हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनाकार्डियम के बारे में। एनाकार्डियम का यूज़ सबसे ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस यानी यादाश्त को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। अक्सर एनाकार्डियम का यूज आप एल्जाइमर रोगों में भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस और ऐसे फॉरगेटफुलनेस जिनके ओल्ड एज यानी जिनका उम्र बढ़ते जा रहा है, वैसे कंडीशंस के फॉरगेटफुलनेस में एनाकार्डियम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे एनाकार्डियम को आप किन परिस्थितियों में और कौन से प्रॉपर सिम्टम्स हैं जिनको आप समझते हुए इसको ले सकते हैं। हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुँचाते रहें। अगर आप बात करें कि एनाकार्डियम किन किन बीमारियों में ज़्यादा काम करती है, तो पहला बीमारी आता है लॉस ऑफ मेमोरी, दूसरा आता है हेमोराइड्स, तीसरा आता है अल्कोहलिज्म, चौथा आता है वार्ट्स, पांचवा आता है स्किन इफेक्शंस, छठवां आता है राइटर्स क्रैम्प और सातवां आता है हेडेक, आठवां आता है हर्ट। तो ये सारे 8 पॉइंट आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडीज में कितना इम्पोर्टेंट है और आप किन परिस्थिति में इसको ले सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लें कि एनाकार्डियम का वर्क हमारे बॉडीज में कहाँ कहाँ ज़्यादा वर्क होता है। अगर आप इसको फिजिकली या केमिकली रूप से जानना चाहेंगे, तो जनरली हमारा शरीर पे एनाकार्डियम माइंड पे बहुत अच्छा वर्क करता है और यही वजह है कि ये लॉस ऑफ मेमोरी की सबसे बेस्ट मेडिसिन निकल के आती है ओल्ड एज की। दूसरी, हमारे स्टमक पे भी अच्छा काम करता है, रेक्टम पे भी अच्छा काम करता है, स्किन डिजीज पे भी अच्छा काम करता है और यही वजह है कि इसको वार्ट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ नर्व प्रोड्यूसिंग डिजीज पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बीमारी का जिस पे बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो पहला स्टमक में होता है, जो भी आपको लगे कि खाना खाने के बाद या खाना खाते ही तकलीफ़ आपकी आराम हो जाए, ऐसे कंडीशंस के लिए एनाकार्डियम बहुत बेस्ट मेडिसिन है। पहला कंडीशन यही होता है कि उसको ये महसूस होता है कि पेट हमेशा खाली रहता है, पेट जब भी थोड़ा सा खाना खाता है उसके बाद महसूस होता है कि ये कहीं और चला गया, पेट में नहीं गया। और मैंने आपको बताया था कि एनाकार्डियम एक मेंटल सिम्टम्स है, तो जब भी इसके बीमारी में आप जाएंगे तो इसके सीधे जितने भी ऑर्गेनल फैक्ट आएंगे यानी ऑर्गेनल बीमारियाँ आएंगी, उसके साथ साथ मानसिक जुड़ाव आपको हर ऑर्गन में दिखेगा। तो पहला इसको कंडीशन से ही दिखता है कि पेट में जो भी खा रहा है वो कहीं और चला जा रहा है। इसके अलावा खास करके ऐसा कंडीशंस आपको चेलिडोनियम में भी मिलेगा और आयोडीनम में भी मिलेगा। आयोडीनम में पेशेंट बहुत ज़्यादा खाता है और खाते ही रहता है, उसको पेट नहीं भरता है। कुछ कुछ सिम्टम्स आपको नेट्रम्यूर में भी मिलेंगे, लेकिन एनाकार्डियम की सिम्टम्स यही होती है कि एनाकार्डियम में उसको मानसिक प्रॉब्लम्स के वजह से ये समझ में नहीं आता है कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया। तो ये दोनों जब कंडीशंस आने लगे, तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपको एनाकार्डियम सबसे बेस्ट मेडिसिन है और बिना एनाकार्डियम के आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसको अल्जाइमर्स के बीमारी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप एनाकार्डियम को 3x पोटेंसी में लेंगे। 3x पोटेंसी में 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लें। अगर 3x आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, दिन में 1 बार लेंगे 30। और अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आने लगा है तो आप 30 पोटेंसी में ही यानी एनाकार्डियम 30 को 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह में लीजिए और शाम में। दूसरा कंडीशंस आता है इसके एनस पे यानी स्फिंक्टर पे। इसको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ अटका हुआ है, लैटिन क्लियर नहीं हुआ है और प्लग टाइप में, यानी कि आपको कभी ऐसा महसूस होता होगा या जो ओल्ड एज में जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि भाई लैटिन क्लियर हुआ ही नहीं। तो लैटिन क्लियर नहीं होने के कारण अगर उनसे पूछा जाए तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि कब्ज था इसलिए नहीं हुआ, गैस बन रहा था इसलिए नहीं हुआ। लेकिन जब आप एनाकार्डियम के पेशेंट से पूछते हैं तो बताता है कि ऐसा लगता है कि कुछ मस्सा की तरह फंसा हुआ है। तो अगर आपको स्टूल लैट्रिन क्लियर होने में ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, रास्ते में ब्लॉकेज है, तो वैसे कंडीशंस के लिए
रेटानिया आती है और एनाकार्डियम आता है। रेटानिया में पेन होता है, एनाकार्डियम में पेनलेस होता है, यानी कि दर्द नहीं होता है। और यही वजह है कि आप एनाकार्डियम को, अगर पेनलेस है, ब्लॉकेज ऑफ एनस दिख रहा है, स्फिंक्टर दिख रहा है, तो एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रात में लीजिए। धीरे धीरे एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह में आपको राहत मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इसके सर दर्द में बात किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि सर पूरा बांधा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये महसूस होता है जब सर दर्द करता है कि सर किसी चीज़ से एकदम बांधा हुआ है, लोहे के पतले पतले छड़ों के द्वारा या पतले पतले धागों के द्वारा। ऐसे कंस्ट्रिक्शन आपको सेंसेशन या बैंड अराउंड हेड के सेंसेशन आपको कोलोसिंथ में भी मिलेगा और सल्फर में भी मिलेगा, लेकिन आपको एनाकार्डियम तब लेना है जब उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स मेंटली भी, यानी मानसिक लॉस ऑफ मेमोरी चल रहा है, तो आप एनाकार्डियम को 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर ले लीजिए। 100% आपको धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि आप वो लोग भी एनाकार्डियम को यूज़ कर सकते हैं जिनका, जिनको लैट्रिन में जाने के समय, यानी स्टूल जब वो लैट्रिन करने जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तब जाके लैट्रिन धीरे धीरे उतरता है। तो ओल्ड एज में ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है या ऐसा कोई भी बच्चा मिलता है जो बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद थोड़ा सा लैट्रिन बाहर आता है, ऐसे कंडीशंस के लिए आप थोड़े से उसके मानसिक अवस्था को समझ लें। तो अगर उसमें सिम्टम्स मिलता है तो आपको और कोई लैक्जेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी एनीमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनाकार्डियम उनके लैट्रिन को क्लियर करते हुए धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशंस में ले जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एनाकार्डियम में अक्सर राइट साइडेड में पेन बहुत ज़्यादा होता है और लेफ्ट साइडेड में पेन कम होता है, यानी कि शुरुआत राइट साइडेड से होता है। चूँकि हम एनाकार्डियम में बताए हैं आपको कि लॉस ऑफ मेमोरी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, यानी माइंड पे बहुत अच्छा काम करती है, तो आज हम बात करेंगे कि एनाकार्डियम का माइंड होता क्या है, आखिर इसकी मानसिक अवस्था कैसा है, आप मानसिक अवस्था की किन किन बीमारियों में एनाकार्डियम का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन यही आता है कि लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी के वजह से, यानी अपनी याददाश्त को भूलने की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उस परेशानी की वजह से तनाव भी रहता है। कभी कभी एनाकार्डियम का पेशेंट इतना भूल जाता है कि उसको ये नहीं समझ में आता है कि वो इस रास्ते से गुजरा था या नहीं। वो जिसको जिस नाम से बुला रहा है वो उसका नाम है या नहीं, अगर इस अवस्था तक आपकी याददाश्त आ गई है, खास करके जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरियों से रिटायर हैं, टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, वकील हैं, नामी वकील हैं, उनके साथ ये होना लाजमी है। जाहिर सी बात है एक दिन में ये लक्षण नहीं आते हैं, आपको धीरे धीरे महसूस होना शुरू करेगा। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने दोस्तों का नाम भूल जाता है, व्यक्ति उस आदमी को जानते हुए उसका नाम भूल जाता है। अगर इस तरह की लॉस ऑफ मेमोरी, इस तरह की फॉरगेटफुलनेस आती है तो आप एनाकार्डियम का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, आपको एक या डेढ़ महीने में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। एक चीज़ और, आप एनाकार्डियम के पेशेंट को जान सकते हैं, क्योंकि एनाकार्डियम का पेशेंट किसी भी बात को विश्वास दिलाने के लिए उसके अंदर ये महसूस होता है कि, यानी अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म होती जाती है, एक विश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको आप बोल सकते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। उसको विश्वास होता है कि शायद वो ये जो बोल रहा है ये भी सही नहीं है, और इस सही को एक सबूत के रूप में पेश करने के लिए वो बार बार कसम खाता है। ऐसे अब तक तो बहुत सारे पेशेंट मिले हैं, बहुत पेशेंट मिलते हैं जो, या आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो सोसाइटी में से एक दो लोग तो ज़रूर मिल जाएंगे जो हर बात पे कसम खाने की आदत डालते हैं। तो आपको एनाकार्डियम की तरफ वो पेशेंट इशारा करते हैं। ऐसे लोगों को जिनकी याददाश्त भी कम है, बार बार अपनी कॉन्फिडेंस एकदम लो होती जा रही है, अपने बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये है या नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सामने देखते हुए भी उसको महसूस नहीं होता है कि ये है या नहीं,
तो वैसे कंडीशंस में भी आप एनाकार्डियम का 3x पोटेंसी लेंगे तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर 3x नहीं मिलता है तो आप 30 पोटेंसी मिलेंगे। 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रोज़ सुबह सुबह लीजिए। धीरे धीरे आपकी जो दिमाग की थकावट है, दिमाग में जो कंट्रोलिंग पावर है, वो एनाकार्डियम रिकवर कराती है, रिफ्रेश कराती है और आपकी फॉरगेटफुलनेस काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है। अब हम बात करते हैं इसके थोड़ी सी अल्जाइमर डिजीज़ में क्या वर्क करती है। तो एनाकार्डियम का पेशेंट जब आपको मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस बात को लेके चलते हैं कि वो अंडर कॉन्फिडेंस होता है, उसको ये बात ही नहीं समझ में आती कि ये बात क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। और यही वजह है कि एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है वो बात करते हुए न हंसने वाली बातों पर भी हंस देता है, और ऐसे पेशेंट अक्सर मिलते हैं। ये वीडियो में इसलिए बनाने की ज़रूरत हुई है कि क्योंकि ऐसे सिम्टम्स के लिए आपको मार्केट में कोई मेडिसिंस नहीं मिलती, और यही होम्योपैथ की खूबसूरती है कि आपको इसकी कंडीशंस समझ में आने लगेगी कि ये कंडीशंस यानी फॉरगेटफुलनेस की कौन कौन से सिम्टम्स में आप एनाकार्डियम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार और रिमाइंडर कर दें, आप नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। दूसरी कंडीशंस अगर आप एनाकार्डियम के पेशेंट को देखेंगे तो, और थोड़ा सा पहले अगर आप आते हैं तो एनाकार्डियम का पेशेंट सपने बहुत ज़्यादा देखता है, और थोड़ा सा पिक्चर आपके लिए क्लियर कर देना ज़रूरी है कि क्यों हॉलिनेशन में रहता है, क्यों उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो हो रहा है ये यथार्थ में है, सही में है या नहीं है। तो यथार्थ में है, जो सही में नहीं है उसका मतलब यही है कि वो सपने देखता है। रात भर वो पेशेंट सपना देखना शुरू करता है, और यही वजह है कि वो यही नहीं समझ पाता कि वो जग रहा है कि सो रहा है। और इस ये कंडीशंस आते आते एक ऐसे कंडीशंस में आता है कि वो अपने आप के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे भूल जाता है, एब्सेंट माइंडेड होता चला जाता है, सस्पेशियस होता जाता है, डाउट करता है कि ये है या नहीं, उसको लगता है कि कोई उसके चारों तरफ है, उसको लगता है कि कोई उसको नुकसान कर सकता है। ये एनाकार्डियम के पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब बात करते हैं कि ये कंडीशंस आती कब है, एनाकार्डियम के पेशेंट को ये कंडीशंस कब फेस करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि ये सिम्टम्स बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, जो दिमाग रूप से डॉक्टर्स, जो टीचर्स, मैथ के टीचर्स, यानी जो दिमाग रूप से दिमाग का बहुत यूज़ करते हैं, और राइटर्स, आपको एक नाम याद होगा, मैंने और वीडियो में भी बताया था कि एक नाम था परवीन बाबी, जो अल्जाइमर्स की बीमारी से पीड़ित थी, उनको एनाकार्डियम की सिम्टम्स मिलती हैं। आप उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हॉलिनेशंस, सस्पिशंस कब आपको एक पागल के रूप में समाज में ला देता है। तो ये एक दिन में नहीं होता है। अगर आपको शुरुआत हो रही है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है, रात भर सपने आ रहे हैं, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं, तो वैसे कंडीशंस के लिए एनाकार्डियम एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। और अगर आप यंग हैं तो 1 m पोटेंसी में, यानी एनाकार्डियम 1 m पोटेंसी में लेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में एक बार, 1-1.5-2 महीने जाते जाते आपको धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तनाव अगर रह रहा है, और बहुत ज़्यादा तनाव में रहने की वजह से आप फॉरगेटफुलनेस हो रहे हैं, माइंड अपसेट हो रहा है, तो भी आप एनाकार्डियम को ले सकते हैं। और कुछ बीमारी है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा तनाव में है और तनाव की वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, किसी भी प्रकार का डर आपके अंदर आ जाता है, और फोरहेड यानी सामने से लेकर टेम्पोरल रीजन तक अगर सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एनाकार्डियम का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देती है। थोड़ा सा काम करने ही या थोड़ा सा पढ़ाई करने से, थोड़ा सा टीवी देखने से अगर आपको सर दर्द होता है, तो आप एनाकार्डियम को 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 1-2 बार लीजिए, आपको 1 हफ्ते में ही राहत मिलना शुरू हो जाता है। एनाकार्डियम में एक चीज़ और याद रखें, इसके सारे प्रॉब्लम्स खाना खाने के बाद राहत हो जाती है। तो अगर ऐसा कंडीशंस आपके साथ है कि खाना खाने के बाद आपके सारे तकलीफ में आराम मिल जाता है,
चाहे वो सर दर्द हो, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे वो घबराहट हो, तो आपको एक बार एनाकार्डियम के बारे में जानना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है कि एनाकार्डियम के जो सिम्टम्स हैं वो आपको बताऊं और इसका वास्तविक लाभ आपको मिले, ये मैंने कोशिश किया है और आशा करता हूँ आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके पास मिलते हैं तो एक लाइफ ज़रूर सेव करती है, क्योंकि आपको पता है कि एलोपैथिक में माइंड की बीमारी कम आती है, पागलपन की बीमारी नहीं है, दवा नहीं है, अल्जाइमर की दवाई नहीं है, और यही वो जगह है जहाँ आप होम्योपैथ से फ़ायदा ले सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग रखा जाए, बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे जिसमें कुछ ना कुछ मिलता है। और लास्ट रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये वीडियो एक नॉर्मल जानकारी के लिए दी जा रही है, इसको ट्रीटमेंट आप नहीं समझें। तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। थैंक्स अ लॉट।